जय हिंद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग अवर चैप्टर 8 डेसिमल्स एंड टुडे वी विल डू अवर एक्सरसाइज 8.4. सो इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स. मीन्स हमें पैसे में क्वेश्चन गिवन है और उसे रुपीज में एक्सप्रेस करना है. सो वी नो दैट 100 पैसे इक्वल टू रुपीज वन, और हम स्टेप से भी कह सकते हैं कि रुपीज वन इक्वल टू 100 पैसे, एंड 1 पैसे इक्वल टू रुपीज 1/100. ठीक है, 100 पैसे में रुपीज वन, 100 पैसे इक्वल टू रुपीज वन, एंड 1 पैसे रुपीज 1/100. सो ये हमारा फॉर्मूला हुआ पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए. सो फाइव पैसे को हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा. सो 5/100. ठीक है, पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, रुपीज 5/100. सो आंसर क्या होगा इसका, 5/100 क्या होता है, 2 जीरो है यहाँ पर, तो वी विल राइट 0.05. मीन्स 2 नंबर से पहले हमारा पॉइंट आएगा. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ये डेसिमल फॉर्म में हमारा आंसर आ गया रुपीज. नाउ बी, अब इसका बी पार्ट सेम, बी सी सेम है. नाउ वी विल डू डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड डी पार्ट इज 50 रुपीज सो ये तो ऑलरेडी हमारा जो 50 है वो रुपीज में है. ठीक है, सो वी विल कन्वर्ट दिस पैसे इन रुपीज. इसे हम एज इट इज लिखेंगे, 50 रुपीज को हम ₹50 राइट करेंगे, प्लस इस टाइप से भी हम इसे राइट कर सकते हैं, प्लस 90 पैसे. अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कराते हैं. तो हमने क्या किया, यहां पर 100 से डिवाइड किया, पैसे से रुपीज में हमारा कन्वर्ट हो गया, पैसे से रुपीज में हो गया 90/100. नाउ रुपीज 50 प्लस एंड 90/100 रुपीज 20 है, तो हम 2 नंबर से पहले मीन्स 9 से पहले पॉइंट लगाएंगे, 0.90. 20 है, 2 नंबर से पहले पॉइंट आ गया, 1, 2. नाउ वी विल एड रुपीज 50 एंड रुपीज 0.90. सो आंसर इज रुपीज 50.90. नाउ स्टूडेंट्स, और सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज मीटर्स. मीटर में हमें आंसर लाना है, मीन्स हमें मीटर में शो करना है किसको, सेंटीमीटर को, यूजिंग डेसिमल्स. सो मीटर एंड सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, या फिर हम इसे राइट कर सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, इस टाइप से भी हम इसे राइट कर सकते हैं. एंड 1 मीटर इक्वल टू, सॉरी, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर. क्लियर, मीन्स सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 से डिवाइड. क्या किया हमने, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या फिर हम राइट कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, एंड 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, सो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100 मीटर. नाउ वी विल टेक 15 सेंटीमीटर है, हमसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी विल डिवाइड बाय 100, 15/100 मीटर. ठीक है, 100 से हमने डिवाइड कर दिया 15/100, देन आंसर इज 20 है, 0.15, 2 नंबर से पहले हमारा पॉइंट आ, दिस इज अ आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी एंड सी पार्ट सेम है. नाउ वी विल डू डी पार्ट. 9 मीटर
7 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी इन मीटर, वी विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, सो 9 मीटर एज इट इज प्लस 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे, 7/100 मीटर, ठीक है। सो 9 मीटर प्लस 7/100 0.07 नाउ मीटर, व्हेन वी ऐड 9 मीटर एंड 0.07 मीटर, सो वी विल गेट 9.07 मीटर, सो दिस इज आवर आंसर, आंसर इज 9.07 मीटर। क्वेश्चन थर्ड इज एक्सप्रेस एस सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, हमें मिलीमीटर गिवन है और इसे एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में, सो वी नोट दैट 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 1 मिलीमीटर क्या होगा, 10 को डिवाइड कर देंगे 1/10 सेंटीमीटर, मीन्स मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन है 5 मिलीमीटर, और जब हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। 5/10 व्हाट इज 5/10 0.5 सेंटीमीटर, सो आवर आंसर इज 0.5 सेंटीमीटर। बी एंड सी पार्ट आर सेम, नाउ वी विल डू डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, अब इसको कन्वर्ट करना है, इट इज ऑलरेडी इन सेंटीमीटर, सो इसको हम एज इट इज राइट करेंगे, प्लस 8 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड, सो देन 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो गया, मिलीमीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। नाउ 9 सेंटीमीटर प्लस 8/10 इज 0.8 सेंटीमीटर, 10 है, 1 नंबर से पहले पॉइंट है, देन 9 and 0.8, 9.8 सेंटीमीटर। नंबर 4 एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, एंड आवर क्वेश्चन इज 8 मीटर, हमारा जो क्वेश्चन है वो मीटर में है एंड वी विल कन्वर्ट दिस मीटर इन किलोमीटर, ठीक है, मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो एज वी नो दैट, हम जानते हैं 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, सो 1 मीटर 1/1000 से डिवाइड करा देंगे, किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, सो 8 मीटर है, डिवाइड किससे कराएंगे हम, 1000 से, सो नाउ अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में, सो 8/1000, व्हाट इज 8/1000, वी हैव डिस्कस इन लास्ट क्लासेस, सो 1 2 3 3 0 है तो 0 0 8, अब यहां पर कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, पॉइंट लगाया 0 1 2 3, नाउ दिस इज इन डेसिमल फॉर्म, 8/1000 इज इक्वल टू 0.008 किलोमीटर, सो आवर आंसर इज दिस। नेक्स्ट बी एंड सी पार्ट आर सेम, सो वी विल डू डी पार्ट, एंड डी पार्ट इज 70 किलोमीटर 5 मीटर, 70 किलोमीटर 5 मीटर, 70 किलोमीटर 5 मीटर, इट इज ऑलरेडी इन किलोमीटर, किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, 70 किलोमीटर एज इट इज लिखेंगे, प्लस मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कराएंगे एंड राइट किलोमीटर, मीटर के प्लेस पर किलोमीटर राइट करेंगे एंड 5 / 1000, देन 70 किलोमीटर प्लस व्हाट इज 5/1000, 8/1000 0.008, 5/1000 0.005,
3 नंबर से पहले पॉइंट आएगा. एंड व्हेन वी एट 70 एंड 0.005 देन वी विल गेट Z70.005 किलोमीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेस एफ किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स. मीन्स हमें ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में. सो वी नो दैट 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, या फिर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी. ठीक है. सो क्या करेंगे हम, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे. सो 2 ग्राम 2/1000 केजी. अभी किसमें कन्वर्ट हो गया 1000 से डिवाइड कराने पर, किलोग्राम में. ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. नाउ 2/1000 1, 2, 3, 3 0 है, 0, 0, 2 1, 2, 3 नंबर से पहले पॉइंट एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ डी पार्ट, बी एंड सी आर सेम, सो वी विल डू डी पार्ट. 5 kg 8 ग्राम एंड अगेन दिस इज ऑलरेडी इन किलोग्राम, सो इसे हम एज इट इज राइट करेंगे. और इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कराएंगे, देन दिस विल बी इन किलोग्राम. सो 5 kg प्लस 8/1000 0.008 kg एंड 5 एंड 0.008 इज 5.008 kg. सो नाउ स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व द अदर पार्ट of this exercise 8.4.